हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बदमाशों का पीछा कर रहे फतेहपुर थाना अधिकारी व कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। फतेहपुर शेखावाटी बसेवा रोड पर शनिवार देर रात को बदमाशों का पीछा करते समय फायरिंग में फतेहपुर थाना अधिकारी मुकेश कानूनगो व एक कांस्टेबल राम प्रताप की गोली लगने से मौत हो गई। फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही देर रात को ही आईजी वीके सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा, सीईओ लक्ष्मणगढ़ बीज मोहन असवाल, एडीएम व तहसीलदार मौके पर पहुंच गए। बदमाशों को पकड़ने के लिए सीकर, चूरू व झुंझुनू में नाकाबंदी कर दी गई। एएसपी तेजपाल सिंह के अनुसार देर रात को ही अजय चौधरी व उसके आधा दर्जन दुर्गों के इलाके में आने की सूचना मिली। थाना अधिकारी मुकेश कानूनगो, कांस्टेबल राम प्रताप व अन्य एक सिपाही मुखबिर की सूचना पर पहुंचे। वह स्कॉर्पियो गाड़ी से बदमाशों का पीछा करने लगी। बेसवा गांव में बदमाशों का पीछा करने के बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी फायरिंग की। इस दौरान मुकेश कानूनगो की गर्दन में गोली लग गई और राम प्रताप की छाती में गोली लग गई। फायरिंग कर बदमाश बोलेरो में फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन सक्ते में आ गया। दोनों को स्थानीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। डॉग स्क्वाड व एफएसएल टीम मौके पर साक्ष्य जुटाए। वही थाना अधिकारी मुकेश कानूनगो के परिजन भी फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। फतेहपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।